दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे तीन एपिसोड जो गोवा के हैं उसको देख के अगर ये सोचा होगा कि गोवा सिर्फ बीचेस के लिए है, तो नहीं, थोड़ा सा आप गलत हैं। गोवा जितने बीच के लिए मशहूर है उतना ही नाइट लाइफ के लिए मशहूर है। और आज मैं आपको इस एपिसोड में बताने वाला हूँ कि अगर आपको बीचेस के साथ साथ नाइट लाइफ का भी मज़ा लेना है तो आपको कहाँ जाना चाहिए। तो मैं हूँ अनुराग और आप देख रहे हैं टॉकिस्तान। तो दोस्तों, हम लोग बात कर चुके हैं अंजुना बीच की, इसके साथ ही साथ एरम्बॉल की, जो कि आप मेरे जो पिछले एपिसोड्स हैं गोवा के व्लॉग वाले में, उसमें आप देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। और इसके अलावा आज हम बात करेंगे नाइट लाइफ की, क्योंकि गोवा जितना बीचेस के लिए मशहूर है उतना ही नाइट लाइफ के लिए मशहूर है। और आज मैं आपको बताना जा रहा हूँ बागा बीच के बारे में, क्योंकि बागा बीच एक ऐसा बीच है जहाँ पर आपको 90% इंडियन टूरिस्ट मिलेंगे, केवल 10% के आसपास फॉरेनर्स होते हैं, और वो वहाँ का सबसे मशहूर बीच है। हालांकि वो दूसरों से अलग है, जिस तरह की अगर आप एरम्बॉल की बात करें, अंजुना की बात करें, कलंगुट की बात करें, तो ये लोग थोड़ा सा शांत बीचेस हैं, लेकिन बागा बीच पूरी तरह से हैपनिंग बीच है। यहाँ पर आपको बीच के साथ साथ पूरे नाइट लाइफ का मज़ा मिलेगा। अगर आप वहाँ पर रुकने जा रहे हैं तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो वहाँ की टीटोज लेन है, वो सबसे मेन लेन है, उस टीटोज लेन में ही सारे पब्स बने हुए हैं, खाने पीने के रेस्टोरेंट हैं। और टीटोज लेन दो हैं, एक टीटोज लेन है, दूसरा टीटोज लेन टू है, और वो ज़्यादा फर्क नहीं है उसमें। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि टी ज्वाइंट की तरह है इसको, आप मान सकते हैं कि अगर इसको मेन टीटोज लेन कहते हैं तो ये वाली जो लेन हो गई इसको टीटोज लेन टू कहते हैं, तो वो एक ही बात है। अगर आप वहाँ पर रहते हैं, जितना टीटोज लेन के पास में रहेंगे वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन पास का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल आपको वो उसके पास में ही रहना है टीटोज लेन के, या जो बागा बीच है उसके पास का मतलब ये है कि अगर आप 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर भी रहते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पर वॉकिंग डिस्टेंस ही इतना है कि आप आराम से घूमते हुए जा सकते हैं। नई जगह है, अच्छी जगह है, इतना हैपनिंग प्लेस है, तो जब तक आप पैदल चलेंगे तब तक तो आप 20 तक पहुँच जाएंगे, इसलिए 1.5-2 किलोमीटर तक भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखना पड़ेगा कि होटल आप कौन सा लेते हैं, क्योंकि चूँकि टूरिस्ट बागा में बहुत ज़्यादा आते हैं, खासकर इंडियन आते हैं, तो वहाँ के घर घर में होटल बने हुए हैं, लोगों ने अपने कमरे किराए पे चढ़ा रखे हैं। इसके अलावा वहाँ ओयो हैं, अच्छे होटल्स हैं, बीचेस पे जो बने रिसॉर्ट्स हैं वो सब हैं, तो ये आपके बजट के ऊपर है कि आप किस तरह का लेना चाहते हैं। हर तरह के बजट का वहाँ पे रूम आपको मिल जाएगा। ज़्यादा कोशिश ये करिएगा कि जैसे ऑनलाइन बुकिंग होती है तो चले जाइए, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद रूम्स महंगे मिलते हैं, तो पहले से बुकिंग करके जाइएगा। उसके बाद वहाँ पे पब्स बने हुए हैं, वहाँ पे नाइट लाइफ जैसा कि मैंने आपको बताया है, 7-8 बजे के बाद से ही वहाँ पे पूरा डांस म्यूज़िक सब शुरू हो जाता है। आप आराम से वहाँ पे जाके एंजॉय कर सकते हैं। और हर दूसरे कदम पे, 5वें कदम पे वहाँ पे पब बने हुए हैं। ध्यान देने वाली बात इतने हैं कि जो थोड़े से पॉपुलर क्लब्स हैं, पॉपुलर पब्स हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं, क्योंकि जो बहुत नीचे वाली कैटेगरी के हैं उसमें थोड़ा सा लोचा चलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वो आपसे कहेंगे कि आप ये ले लीजिए, इतने इतने का टिकट ले लीजिए, तो उसके बाद आपको ये ड्रिंक्स फ्री मिलेगी प्लस अंदर। तो वहाँ पे अगर ऐसा आप छोटे उसमें पब में जाएंगे तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है, लेकिन जैसे आप टीटोज़ में जा सकते हैं, टीटोज़ हालांकि बहुत क्राउडेड रहता है, उसका स्टैग एंट्री जो मेल्स के लिए है वो तकरीबन 3300 रुपये के आसपास है, जिसमें ड्रिंक्स इंक्लूडेड होती है। उसकी जो फीमेल एंट्री है वो फ्री होती है, आप ये बात ध्यान रखिएगा। खासकर हमारे जो फीमेल व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि गोवा के किसी भी पब में, खासकर बागा में जितने भी पब हैं, वहाँ पर आपकी सबकी एंट्री फ्री है फीमेल्स की, चाहे आप सिंगल जाएँ, चाहे डबल जाएँ, चाहे आप अपने ग्रुप के जाएँ, सहेलियों के साथ जाएँ, तो वहाँ पर सब कुछ फ्री है। वहाँ पर पैसा अगर देना पड़ता है सिर्फ मेल्स को देना पड़ता है, स्टैग एंट्री जो उनकी होती है उसके लिए, और कपल्स के लिए है, कपल्स के लिए हालांकि थोड़ा सा कम है, टीटोज़ में 2700 रुपये है। इसी तरह से वहाँ पर मिम्बोज है, वो काफ़ी अच्छा है, और भी हैं पब्स जिसमें आप देखना चाहें, जो आपके बजट में आ जाए, आपको लगे वहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने किया था वो मैं आपको बता देता हूँ, मैं किसी पब में नहीं गया था, मुझे ऐसा लगा कि पब में जाने से बढ़िया है कि कुछ और एक्सप्लोर करते हैं नाइट लाइफ के लिए। तो आपको मैं बता दूं कि जो बागा बीच है वो दिन में जिस तरह के आम बीचेस होते हैं वहाँ पे होता है, काफ़ी क्राउडेड होता है, लोग वहाँ पर आते हैं, नहाते हैं, स्विमिंग करते हैं, लेकिन
वहाँ पे रात होते ही पूरा माहौल बदल जाता है। एक लाइन से शैक्स बने हुए हैं, उन शैक्स में हर शैक्स में म्यूजिक चलता है, डांस होता है, ड्रिंक्स हैं। आप वहाँ पे जाइए, एंट्री बिल्कुल फ्री है शैक्स में, किसी भी शैक पे कोई पैसा नहीं लगता है। जहाँ म्यूजिक बच रही है वहाँ पे जाके डांस करना शुरू कर दीजिए, लोग आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, वो भी वहाँ पे डांस करते हैं। आपका मन है तो वहाँ से ड्रिंक लीजिए, नहीं मन है तो मत लीजिए, लेकिन आपको वहाँ पर कोई भी पैसा एंट्री चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और शैक्स आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन बीच के किनारे किनारे 1.5 से 2 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जहाँ पे पूरे शैक्स बने हुए हैं और हर शैक में आपको म्यूज़िक मिलेगा। तो मेरे ख्याल से वो सबसे अच्छा ऑप्शन है। आप आराम से जाइए, शैक में से ड्रिंक लीजिए, जो भी आप पीना चाहते हैं स्नैक्स लीजिए, कैंडल लाइट डिनर की तरह का वो पूरा माहौल हो जाता है, क्योंकि हर शैक्स के बाहर चेयर्स लग जाती हैं, टेबल लग जाती हैं, वहाँ पे कैंडल लाइट लगी रहती है। उस कैंडल लाइट में आप अपना चाहे तो बैठ सकते हैं, अगर फैमिली के साथ गए हैं या वैसे भी गए हैं, अकेले गए हैं, फ्रेंड्स के साथ गए हैं, उसके बाद अपना ड्रिंक लीजिए और उसी शैक में या किसी भी दूसरे शैक में आप जाके आराम से डांस कर सकते हैं। कुछ नहीं है, मैं तो सोलो गया था, सोलो ट्रैवलिंग मैंने की थी, तो बिल्कुल मुझे तो और भी अच्छा लगा था, क्योंकि मैं किसी भी शैक में आराम से अपनी मर्जी से जा रहा था, डांस कर रहा था, फॉरनर से मिल रहा था, लोगों से मिल रहा था, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है बागा में। तो रहने के लिए तो वहाँ पे सब कुछ है ही है, जैसे कि अवेलेबल मैंने आपको बताया, नाइट लाइफ बहुत अच्छी है, खाना पीना बहुत अच्छा है, एक लाइन से पूरे टीटोज लेन पे खाना पीना ये सब वहाँ के रेस्टोरेंट हैं, पंजाबी होटल्स हैं, आपको अगर नॉर्थ इंडियन खाना है तो वो भी है वहाँ पे, जो फ़िश चावल मिलती है, एक प्लेट मिलती है फ़िश और चावल के साथ, वो बहुत सस्ती है, 120 रुपये 150 रुपये इस तरह की है, तो वो सब आप उसका मज़ा ले सकते हैं और नाइट लाइफ का पूरा मज़ा ले सकते हैं। हालांकि अगर आप बीच पे जाएंगे तो बागा बीच में दिन में आपको वो मज़ा नहीं आएगा अगर असली बीच का मज़ा लेना है, जो कि आपको एरम्बॉल में या अंजुना में आएगा, लेकिन हाँ शाम के बाद नाइट लाइफ बागा की बहुत अच्छी है, तो वहाँ पर आप बिल्कुल जा सकते हैं। थोड़ा सा कुछ बातों का ख्याल रखिएगा, शीमेल्स वगैरह वहाँ पर या लेडी बॉयज़ जो हैं वो वहाँ पर मिलते हैं, वो आपसे ड्रिंक्स के लिए कहते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको किस तरह से करना है, और बिल्कुल सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वहाँ पे 12, 1, 2, 3 बजे तक भी वहाँ से आते हैं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे रात बढ़ती है वैसे वैसे शैक्स बंद होने लगते हैं, लेकिन तो भी 1, 1.5 बजे तक, 2 बजे तक, 2:30 बजे तक आराम से वहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं, तो बहुत बेस्ट है। आपको अगर नाइट लाइफ इंजॉय करनी है तो आप बागा में रुक सकते हैं, इंडियन क्राउड ज़्यादा है, फॉरनर्स थोड़े से कम हैं, और यही इसी तरह से आगे मैं आपको गोवा के बारे में और कुछ बातें बताऊंगा। आने वाले एपिसोड्स में आपको बताने वाला हूं कि गोवा में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको ले जाना बहुत ज़रूरी है, तो उसको मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊँगा। तब तक के लिए मैं आपकी इजाज़त लूँगा, लेकिन मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, और अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत जल्दी मैं आपको अगले एपिसोड में फिर आपके साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।